मसीह में आप सबको यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की। हमारे कार्यक्रम आवाज़ में आप सबको स्वागत है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि हम फिर से इस सप्ताह मसीह संगति में जुड़ पाते हैं। आज के बाइबल अध्ययन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें विगत दिनों से अब तक सुरक्षित रखे, हमारी रक्षा रखवाली की। आज हम इस सुंदर मसीह संगति में जुड़ पाए। अब्बा, इस समय हम आपके पवित्र वचनों को पढ़ने और मनन करने जा रहे हैं। प्रभु, आप ही हमें अपनी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य से भर दीजिए कि हम आपके वचनों को सुनने, सीखने और समझने पाए। हमारे मन, आत्मा, हृदय को संसार और शैतान की बुरी चाल से बचाइए और आज के हमारे इस बाइबल अध्ययन और संगति के द्वारा केवल आपकी ही पवित्र नाम की महिमा होने पाए। हमारे सारे पाप, दोष, गुनाह को क्षमा कर रहे और इस दिन धन्यवादी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का बाइबल अध्ययन का विषय है द वेटिंग, अर्थात प्रतीक्षा यानी इंतजार। तो मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर हमें क्यों प्रतीक्षा कराते हैं, हमारे जीवन में प्रतीक्षा का क्या मतलब है। समय की आधुनिकता तथा टेक्नोलॉजी के युग में हम हर चीज़ जल्दी और सुविधा में पाना चाहते हैं। हमारी अपेक्षा हर समय यह रहती है कि जो भी काम हो वो जल्दी ही हो जाए या हमें सब जल्दी ही मिल जाए। थोड़ी सी देर हमारे मन को विचलित कर देती है, हम अपना धीरज खो बैठते हैं। पर मसीह में प्यारो, आज हमें पवित्र बाइबल धीरज से प्रतीक्षा करना सिखाती है। चाहे वो कामकाज हो, चाहे पढ़ाई लिखाई, चाहे नौकरी हो या फिर परिवार हो, हर एक क्षेत्र में धीरजवंत होकर प्रतीक्षा करना सिखाती है। पहला पत्रस 5:6 में वचन बतलाती है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर कभी विलंब नहीं करते, ना ही जल्दी करते हैं, परंतु उचित समय में करते हैं। और यही उचित समय को हमारे जीवन में फलवंत कराने के लिए हमें प्रतीक्षा कराते हैं। तो यह उचित समय क्या है, इसका उत्तर बाइबल ही से पाते हैं। सभोपदेशक 3:1-2 में वचन बतलाती है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का समय है। यह वचन हमें बतलाती है कि जिस प्रकार नई सुबह होने के लिए रात का होना जरूरी है तथा नया फसल पाने के लिए फसल का बोया जाना, उसकी देखभाल करना और उसके पकने तक इंतजार करना जरूरी है, उसी प्रकार हमारे जीवन में अच्छा फल व विश्वास की परिपक्वता के लिए प्रतीक्षा का होना बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम इस विषय को 3 खंड में समझें। पहला, परमेश्वर अपने योजना को पूरी करने के लिए इंतजार करवाते हैं। दूसरा, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए प्रतीक्षा कराते हैं और समय लेते हैं। और तीसरा, विश्वास में सिद्ध और सुरक्षित करने के लिए प्रतीक्षा कराते हैं। पहला खंड, परमेश्वर अपनी योजना पूरी करने के लिए इंतजार कराते हैं। मसीह में प्यारों, इस विषय के सबसे बड़े उदाहरण स्वयं परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, वह जगत में मानव रूप में आए कि पूरी मानव जाति का उद्धार हो। उनके जीवन का मकसद ही था कि वे पिता के प्रेम को मनुष्य तक पहुँचाए। परंतु पुत्र होकर भी यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता निभाई और खुद परमेश्वर के पुत्र होकर भी 30 वर्ष तक इंतजार किए। प्रभु यीशु अपनी सेवकाई आरंभ करने से पूर्व यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के प्रति धार्मिकता को पूरी किए। एकांत में 40 दिन 40 रात भूखे प्यासे रहकर परमेश्वर की उपासना की और साथ ही शैतान की परीक्षाओं से भी सामना किए।
सेवकाई आरंभ करने पर परमेश्वर के प्रेम का सुसमाचार वचन मानव जाति को बताए सिखाए हमारे पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। हमें पापों के घाव से चंगा करने के लिए यीशु हमारे सब घाव लेकर क्रूस पर बलिदान हो गए और तीसरे दिन परमेश्वर की अनंत महिमा में जी उठे। हम यीशु मसीह के जीवन से शिक्षा ले कि अगर परमेश्वर हमें इंतजार कराते हैं तो अपनी योजना को हमारे जीवन से पूरी करने के लिए कराते हैं, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए समय लेते हैं। जिस तरह अब्राहम अपनी संतान था परंतु परमेश्वर ने उन्हें 100 वर्ष की उम्र में भी पुत्र दिया और अब्राहम के साथ वाचा बांधी और आशीष दी कि वह जाति जाति का मूल पिता होगा। इसलिए हम उतावले ना हो परंतु धीरज से उसकी बाट जो है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें जिस रीति से सिखाना और बढ़ाना चाहते हैं हम सीखने और बढ़ते जाएं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि हम तो तैयार हैं और यह अगर उचित समय नहीं है तो कब है। मसीह में प्यारो, यह जान ले कि उचित समय तब होता है जब परमेश्वर जान ले कि हम तैयार हैं, ना कि जब हम सोचते कि हम तैयार हैं। परमेश्वर केवल हमें नहीं परंतु हमारे साथ हमारी परिस्थिति, हमारे परिवार, हर बातों को, हर चीज़ों को तैयार करते हैं कि उसके द्वारा हम भली बातों को ही देखने पाए। दूसरा खंड, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए समय लेते हैं। हम सभी मूसा की कहानी अच्छी तरह जानते हैं। मूसा को परमेश्वर ने चुना कि वो इसराइलियों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ाए और उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश तक ले जाएं जो परमेश्वर ने इसराइलियों से प्रतिज्ञा की थी, अर्थात कनान देश, जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है। मिस्र से कनान देश तक पहुंचने का रास्ता करीब 40 दिन का ही था, पर इसराइलियों की विश्वास की अभाव, कुड़कुड़ाहट और अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर उन्हें जंगल के मार्ग में 40 वर्ष तक घुमाते रहे। उस दौरान परमेश्वर ने उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की कि वे अपना मन फिराएं, पर वे कुड़कुड़ाते रहे। यही कारण था इसराइलों का, जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा होकर भी जंगल में 40 वर्ष संघर्ष करते रहे, शत्रुओं का सामना करते रहे। जिस प्रकार परमेश्वर ने इसराइलियों को शिक्षा देने के लिए 40 वर्ष समय लिए कि वे विश्वास में दृढ़ हो कि उन्हें प्रतिज्ञा का देश दिया जा सके, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए, सुधार लाने के लिए समय लेते हैं, प्रतीक्षा कराते हैं। यकूब 4:3 में वचन बतलाती है, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जी हाँ प्रियो, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी आशीषें बहुत जल्दी पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। इसलिए जो परीक्षा या इंतजार हमारे जीवन में आती है वह सब हमारे सुधार के लिए होती है और उसके द्वारा हम विश्वास में परिपक्व होते जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके सम्मुख दीन बने कि उनकी कृपा को ग्रहण करने योग्य ठहरे। तीसरा खंड, विश्वास में सिद्ध और सुरक्षित रखने के लिए प्रतीक्षा कराते हैं। मसीह में प्यारो, हम नूह की कहानी भली भांति जानते हैं। परमेश्वर नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी पर अपना कोप भड़काए थे। 40 दिन 40 रात लगातार वर्षा के कारण पृथ्वी जल से डूब गई थी, परंतु परमेश्वर ने नूह को चुना था कि वह अपने परिवार समेत जहाज में सुरक्षित रहे। केवल परिवार नहीं वरन जगत के हर जाति के पशु पक्षी भी उसके जहाज में सुरक्षित रहे, ऐसी प्रभु की योजना थी।
उस समय पृथ्वी जल से ऐसा भर गया था कि पहाड़ की चोटियां तक नजर नहीं आ रही थी। पृथ्वी पर से जल सूखने के लिए करीब 11 महीने से अधिक समय लग गया। जी हाँ प्रियो, नूह और उसके परिवार जल प्रलय के जहाज के अंदर उतने दिन तक प्रतीक्षा किए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर से निरंतर सहायता की बाट जोहते रहे। उनकी यह प्रतीक्षा विनाश के लिए नहीं था, परंतु एक नई आरंभ और नई प्रतिज्ञा के लिए था। और जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार आशीष दी। उत्पत्ति 8 उसका 15-17 तक बाइबल इस प्रकार बताती है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्र पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें आज इंतजार कराते हैं कि हम सुरक्षित पाए जाएं, विश्वास में बढ़े। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर हम प्रतीक्षा करें तो कैसे करें? इसका उत्तर हम वचन ही से पाते हैं। इब्रानियों 6 उसका 12 में वचन बतलाती है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के बारिश होते हैं। जी हाँ प्रियो, आलसी होकर नहीं, पर अपनी विश्वास के अच्छी कुश्ती लड़कर प्रतीक्षा करें। हर दिन उस योजना और प्रतिज्ञा के लिए श्रम करें जिसके लिए हम चुने गए हैं। निरंतर प्रभु की संगति में स्वयं को बढ़ाएं। परमेश्वर के साथ अपनी व्यक्तिगत तथा आत्मिक संबंध को दृढ़ करें। एक दूसरे की भलाई करना ना छोड़े। परमेश्वर निश्चय हमें उचित समय पर बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, आज के बाइबल अध्ययन में अपनी उपस्थिति देने के लिए धन्यवाद। अब्बा, आपने अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को दिया कि आज हम बाइबल अध्ययन में आपके वचन को समझने पाए। प्रभु, आज जो कुछ हमें सीखा वो हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख दे, कि हम इसे जीवन का स्रोत बनाकर चलने पाए। हमारे साथ जुड़े हर एक दर्शकों को आशीष प्रदान कर, सबों को सुरक्षा प्रदान कर, हमारे पापों को क्षमा कर, और ऐसी दिन धन्यवादी प्रार्थना मांगते हैं, सुन, दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम से आप सभी को आशीष को ग्रहण किए होंगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे, प्रभु में बढ़ते जाएं। धन्यवाद।